तो हमें पोहा बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 2 बड़े टमाटर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। यहाँ पे बड़े बड़े टमाटर मैंने यूज़ किए, 2 यूज़ किए, तो दैट्स कम्प्लीटली इनफ। देन यहाँ पे रोस्टेड पीनट्स है। पीनट्स को आप मूंगफली या बादाम, जो सिंघाड़ा बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो उसको गैस पे मैंने ड्राई रोस्ट किया था, फिर उसके छिलके निकाल दिए मैंने, फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में कट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे राई यूज़ किया है, राई मस्टर्ड सीड्स यहाँ पे है, जिंजर उसको बड़े बड़े स्लाइसेस मैंने कर दिए, ज़्यादा पतले नहीं है, मोटे ही है, हम देख सकते हैं मोटे ही है। सो अगर आप इसको ग्रेट करना चाहते हैं जिंजर को, आप ग्रेट भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे नींबू लिया है, नींबू से हमको से हमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। देन यहाँ पे हमने लिए धनिया के पत्ते, फ्रेश धनिया के पत्ते हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देन यहाँ पे 2 मिर्ची ली है, उसको हमें बीच में से कट करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं ये सब। देन यहाँ पे नेक्स्ट है अनियन, अनियंस को भी हमने बारीक छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं पोहा बनाना। गैस पे कढ़ाई रख दीजिए, फिर कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें तेल डालेंगे। फिर अभी हम उसमें ऐड कर रहे हैं राई के दाने। फिर उसमें जाएगा मिर्ची, फिर पीनट, फिर हम उसको तेल में अच्छे से थोड़ा क्रैकल होने देंगे। अब इसमें जाएगा टमाटर, चॉप किया हुआ टमाटर। फिर टमाटर को भी थोड़ी देर के लिए हमें कुक करना है, तो उसको ढक दी। तो ढकने के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर कुक हो चुके हैं। फिर उसमें हम डालेंगे नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लिए। फिर उसमें जाएगा हल्दी, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे भिगोया हुआ पोहा। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिक्स कीजिए, फिर और बाकी का पोहा ऐड करते जाइए, जैसे जैसे मिक्स होता जा रहा है उसमें फिर ऐड करते जाइए। देखिए अब थोड़ी देर अब उसको गैस पर रख के कुक करते रहिए, मतलब मिक्स करते रहिए, फिर वो अपना कलर चेंज करेगा, फिर सारे मसाले पकड़ लेगा, फिर आपका पोहा एकदम रेडी हो जाएगा। सो हमारा पोहा यहाँ पे रेडी है, फिर हम उसको गार्निश करेंगे धनिया के पत्ते से। हमारा पोहा बिल्कुल रेडी है। आप इसको 2 मिनट और गैस पर रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा सा कच्चा है। एकदम फ्रेश पोहा इज रेडी फॉर ब्रेकफास्ट। काफी सिंपल, काफी इजी एंड काफी फेमस ब्रेकफास्ट है ये। महाराष्ट्र में सबको पसंद होता है पोहा। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे, ये एकदम ऑप्शनल है। हम उसमें डाल रहे हैं कांदा, जो हमने प्याज जो बोलते हैं उसको चॉप करके हम इसमें ऐड कर रहे हैं। फिर कोरिएंडर लीव्स, फिर नींबू का रस, देन उसमें जा रहा है आलू भुजिया। आप कोई भी सेव, कोई भी नमकीन या फरसान आपके पास जो भी है आप उस पर ऐड कर सकते, काफ़ी यमी लगता है। तो लीजिए हमारा महाराष्ट्र स्टाइल पोहा इज रेडी। आप अपने घर पे भी बनाइए, ये काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है।
आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। आप भी बनाइए, खाइए और इंस्टाग्राम पे शेयर भी कीजिए मेरे साथ।